हाउ इज योर इंस्पिरेशन? ओके हु इज हाउ, ओके समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. हु इज योर इंस्पिरेशन? लव फ्रॉम बेंस गेमिंग वाईटी फैमिली. सो माई, अगर बोलोगे इंस्पिरेशन तो मैं बोलूँगा कि मेरे डैड और मेरा मॉम. क्योंकि ऐसा है कि जब मैं जब स्टार्ट किया था, जब मेरा जब करियर, जब मैंने जब जस्ट स्टार्टिंग फेज पे था मैं, तो ऐसा था कि गाइज आपको मतलब मुझे वो टाइम पे बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है, वो सब चीज़ के बारे में. बट मुझे अभी अभी समझ आया कि ऐसा था कि मैं, सुनो बता दो, ठीक है आपको. तो मैं पबजी, वो टाइम पे पबजी था, तो पबजी खेलता था वो टाइम पे. तो ऐसे ही नॉर्मली क्लासिक, मैं वो टाइम पे क्लासिक खेलता था वगैरह वगैरह. मुझे लोग भी बहुत लोग क्लासिक प्लेयर बोलते थे कि अरे ये कॉम्पी में क्या कर गए, एकदम ऐसा क्लासिक प्लेयर है, कुछ नहीं हो पाया इससे, ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है. तो वो लोग का भी अभी पता है मुझे कौन है वो लोग, कौन किसने क्या बोला, बट कोई दिक्कत नहीं, बोलने वाले बोले गया तुम्हारा भाई, ठीक है. तो ऐसा था कि मैं जब मैं फर्स्ट टूर्नामेंट में कौन सा भी गेम खेलूँ, ठीक है, मैं लेता था 10 किल, 11 किल, 12 किल, ठीक है. तो मेरे डैड आके बोलते थे, मेरे मॉम डैड आके बोलते थे, अरे क्या खेल रहा है, 10-12 किल्स, दिस तो आई कैन ऑल्सो किल, वॉट आर यू प्लेइंग. मतलब अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ. तो मतलब जो वो हंगर होती है ना, मतलब लाइक किल्स का, वो मेरे डैड और मॉम की वजह से. वो लोग, मैं 20 किल भी अगर लेता था ना, बोलते थे अरे ये क्या खेल रहे थे, ओनली 12 किल्स, ये तो मैं इजी मार लूँ. तो समझ रहे, जो हंगर जो रहता था, फिर वहाँ से ही वो हंगर बिल्ड होते गया, एंड फाइनली आई एम हियर टुडे. एंड भाई मेरे पेरेंट्स ने लिटरली बहुत कुछ किया है मेरे, लिटरली नो वर्ड्स यार. पेरेंट्स आप लोगों के लिए कभी भी तैयार है खड़े होने के लिए, जो भी सिचुएशन हो पेरेंट्स आपके जस्ट बाजू ही रहिए. सो गाइस माय इंस्पिरेशन इज माय पेरेंट्स, माय मॉम, माय डैड एंड माय बहन. सो गाइस यही बोलूँगा भाई, पेरेंट्स ओपी गाइस, स्पैम कर दो, मॉम डैड ओपी भाई, स्पैम कर दो लिटरली गाइस, रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए भाई. दे आर माय इंस्पिरेशन. भारी सीन भाई. ओ तो ये राज है क्या आपका? यस yes, तो यही राज था कि मैं अगर 20 किल भी लेता था, मैं डैडा के बोलते अरे ये क्या खेल रहा है, ये तो मैं भी मार लूँ, 20 किल्स क्या, मैं अभी 25-30 मारूँ. मैं बोलता था कि अरे डैडी को तो आता ही नहीं है खेलने, बट ये क्यों बोल रहे. तो बट मुझे अभी समझ आया कि वो चीज़ मेरे को क्यों बोलते थे वो टाइम पे, और आज वो चीज़ बहुत मैटर की है मेरे लिए. सो हैट्स ऑफ भाई, मेरे डैड के लिए एंड मॉम के लिए हैट्स ऑफ वो चीज़ के लिए. सो वो हंगर बढ़ते गई एंड सीधा ख़त्म कर डालता हूँ आज जो हूँ, मॉम डैड एंड इनके इन लोगों की वजह से ही. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? All of you, to stop what you're doing and listen.